नमस्कार, विंग कमांडर संतोष शर्मा व्हाइट टोटल स्पिरिचुअलिटी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले थे 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। मैंने विगत वीडियो में 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में चर्चा की थी, जो कि विष्णु भगवान के संबंधित था, बुरे सपनों से बचाने के लिए और मन से भय को दूर करने के लिए। 11 मुखी रुद्राक्ष भी एक बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली रुद्राक्ष है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। 11 मुखी रुद्राक्ष होता है पंचमुख हनुमान की शक्ति को लिए हुए। यदि आपकी जो ऑरिक बॉडी है, वैद्युतिक शरीर है, जो फिजिकल बॉडी के चारों तरफ एक होता है ऑरिक बॉडी, तो ये ऑरिक बॉडी में यदि कुछ पंक्चर हो जाए, ओपन हो जाए किसी कारणवश, स्वभावतः जो लड़कियां होती हैं, लेडीज होती हैं, उनके मासिक धर्म के समय मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये ऑरा ओपन हो जाता है, पोरस हो जाता है, पंक्चर हो जाता है, खुल जाता है, तो उसमें भय यह रहता है कि नेगेटिव शक्तियां, एनर्जी जो हैं, कॉन्टामिनेट कर सकती हैं बॉडी को। इसलिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, भूत प्रेत का साया बोल सकते हैं, मतलब जो आपको समझ में नहीं आता है, जो कि हमारे नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ता, उसको हम भूत प्रेत कहते हैं। बट दीगर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो इसमें डॉगमेटिक होने की बात नहीं है। आप जानते हैं, वायरस के बारे में जानते हैं, बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं, आप दिखाई नहीं पड़ते आपको, जैसे वायरस है दिखाई नहीं पड़ता आपको। वायरस को हिंदी में कहते हैं भूताणु, भूत। तो आप जानते भी हैं कि हनुमान का कवच मंत्र जो है, या हनुमान चालीसा है, उसमें भी ये लिखा गया है कि भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये महावीर का प्रताप है, लेकिन जब पंचमुख हनुमान की बात करते हैं हम, तो ये आपको बहुत सारे फल देते हैं। जैसे आप देखेंगे अभी स्क्रीन पे पंचमुख हनुमान जी का फोटो लगा हुआ है, जो कि 11 मुखी रुद्राक्ष से जोड़े जाते हैं। इसमें आप देखेंगे कि ये रुद्राक्ष पहनने से आपकी जो इष्ट होती हैं, जो आपकी भावना होती हैं, जो आप मन में सोचते हैं, उसकी सिद्धि होती है। सिद्धि होने के साथ साथ में ये जो पांच मुख हैं, ये पांच मुख क्या हैं? एक तो देख रहा है पूर्व दिशा की तरफ, एक देख रहा है पश्चिम दिशा की तरफ, और एक देख रहा है उत्तर, एक देख रहा है दक्षिण, और एक ऊर्ध्व में ऊपर में देख रहा है। तो ये जो पांच मुख हैं, इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। तो इसमें होता है कि जो दक्षिण दिशा को देखने वाला, साउथ को देखने वाला, ये होते हैं करल उग्रवीर नरसिम्हा भगवान जो होते हैं, उनकी शक्ति आपको मिलती है, उसकी प्रोटेक्शन मिलता है आपको। फिर आप वेस्ट फेसिंग जो होता है, ये होते हैं मतलब पश्चिम की तरफ देखते हुए जो है, वो है गरुड़। तो गरुड़ जो आपको देते हैं सकल सौभाग्य देते हैं, सब प्रकार की गुड लक्स आपको मिलते हैं। उसके बाद में जो नॉर्थ फेसिंग है, उत्तर दिशा में देखते हुए जो पंचमुखी हनुमान जो है, वो है लक्ष्मी बराह, मतलब धन संपदा की प्राप्ति आपको होती है। और जो आप देखते हैं पूर्व की तरफ हनुमान जी, वो है इष्ट सिद्धि हनुमान। और जो ऊर्ध्व की तरफ देखते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं, वो है आपके ऊर्ध्वमुख बोलते हैं हयग्रीव, इससे आपको सर्व विद्या प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ये पंचमुखी हनुमान जी के आशीर्वाद 11 मुखी रुद्राक्ष पहनने से आता है। 11 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, अपने गले में पहन सकते हैं, और आप चाहें तो इसको अपने हाथ में ही पहन सकते हैं। हाथ में कैसे पहने? अपने बाएं हाथ में पहन सकते हैं आप इसको। 11 मुखी रुद्राक्ष पहनने के कुछ विशेष नियम तो नहीं होते हैं, जैसे कोई कहे कि भाई रुद्राक्ष पहन लो तो मैं क्या मैं अंडा खा सकता हूँ, मांस मांस खा सकता हूँ, शराब पी सकता हूँ। देखिए, धर्म से रुद्राक्ष का कोई संबंध नहीं है। जैसे दवाई है, आयुर्वेद हो, एलोपैथी डॉक्टर्स हो, जो आपको इंजेक्शन लगते हैं, या जो दवाई खाते हैं आप, होम्योपैथी भी खाते हैं, इन चीज़ों का धर्म से क्या मतलब है? तो रुद्राक्ष भी एक एनर्जी बैलेंसर है, जो आपकी शरीर और मन को ठीक करता है, आपको जो नेगेटिव एनर्जी उससे बचाता है।
तो इसको धर्म से जोड़ा ना जाए, आप जो भी खाते हो जो भी पीते हो उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ जरूर ये है कि आपको ये बुरे शक्तियों से बचाएगा, इस बात की तो गारंटी है। 11 की रुद्राक्ष आप यदि खरीदना चाहते हैं, परामर्श करना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट को लॉग ऑन करें, www.whitelotusspirituality.com। ऐसे वीडियो को आगे देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने मित्रों को बताएं। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा विदा लेता हूं। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे हम 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 12 मुखी रुद्राक्ष अत्यंत पावरफुल होता है और ये होता है सूर्य के लिए, मान सम्मान प्रसिद्धि के लिए। तो देखते रहिए, इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। नमस्कार।